हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो के साथ। सो दोस्तों, फायरवॉल्ट की तरफ से और एक नया वॉच लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है फायरवॉल्ट टॉर्क प्रो, जो कि एक कलिंग वॉच है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलता है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं इसको रिव्यू करूँगा। तो इसका बात है कि ये जो वॉच है वैल्यू फॉर मनी है, या आपके लिए ये वॉच आप खरीदते तो ये आपके लिए ये सही रहेगा या नहीं, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी चैनल को नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसके दौरान आपको इस तरह से नया नया जानकारी मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैं हूं विज्ञान, आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक अप हिंदी पर। दोस्तों, फायरबोल्ट की तरफ से ये जो नया वॉच लॉन्च हो गया है जिसका नाम है फायरबोल्ट टॉल्क प्रो, इसका प्राइस की बात करें, इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इसका जो बैटरी क्वालिटी है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊँगी। पहले इसका प्राइस की बात करते हैं। तो इसमें जो प्राइस दिया गया है वो है 3999 रुपीज़, जो कि आपको लगभग 4000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो इसका ये जो फायरवॉल्ट 12 प्रो, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, इसमें आपको 5 कलर देखने को मिलेगा, जो कि पहला कलर है ब्लैक, दूसरा है ब्लू, ग्रे, पिंक, रेड। ये 5 कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा फीचर की बात करें तो इसमें जो कि आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जो कि आपको देता है, बहुत अच्छा है। इसके साथ दूसरा बात करें तो इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो थोड़ा छोटा डिस्प्ले हो गया। जी दोस्तों, प्राइस के हिसाब से थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था फायरबोल्ट को, लेकिन इम्प्रूव नहीं किया है। थोड़ा छोटा डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 1.3 इंच का HD स्क्रीन, 360x360 का पिक्सल रेगुलेशन, अल्ट्रा हायर कलर जो कि दिया गया है, लेकिन थोड़ा जो कि डिस्प्ले का साइज अच्छा होता तो अच्छा होता और भी। तो इसका जो ये जो स्क्वायर साइज नहीं है, ये जो वॉच लॉन्च हो गया है इसका जो वॉच का वो ऐसा वाला स्क्वायर नहीं है, वो राउंडिंग वाला आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ दूसरा फीचर की बात करें तो इसमें आपको 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, जो कि आपको परफॉर्मेंस बेस की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको रहेगा। इसके साथ आपको मिल जाता है 360 हेल्थ केयर, जो कि आपको पहले बात करें ट्रैक और ब्लड ऑक्सीजन, इसके साथ हार्ट रेट मॉनिटर, प्रेशर मॉनिटर, बहुत सारे आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो गेम के लिए आपको तो पता है फायरबोल्ट का जो कोई भी वॉच लॉन्च होता है उसमें आपको कोई ना कोई गेम देखने को मिलता है, इसमें भी सेम है, आपको गेम देखने को मिल जाता है। तो इसके साथ दूसरा फीचर की बात करें तो इसमें आपको वाटर और डस्ट से बचाने के लिए, जैसे कि बारिश या कहीं भी डस्ट आ रहा है, ज़्यादा डस्ट हो रहा है, तो ये वॉच को बचाने के लिए आपको IP68 का जो कि वाटर प्रूफ देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके साथ आपको फिटनेस आउटडोर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इसका बैटरी क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया, थोड़ा नहीं इसको ज़्यादा बोल सकते। प्राइस के हिसाब से मेरे को जो लगता है कि इसका जो बैटरी क्वालिटी है बहुत अच्छा दिया गया है, जो कि 30 डेज का, जो कि एक महीना का आपको बैटरी क्वालिटी मिल जाता है। लेकिन मैं जो ये वॉच यूज कर रहा हूँ डीजो का, इसमें मेरे को दिया गया था जो कि 10 डेज का, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यूज करता हूँ। लेकिन इसमें जो 30 डेज दिया गया है, आप वॉच से कुछ भी नहीं करोगे, ओनली टाइम देखोगे। तो इसमें जो 30 डेज दिया गया है, इसमें थोड़ा आपको और भी ज़्यादा टाइम रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा जो इसका डिस्प्ले की बात करें तो बैर पॉइंट की बात करें तो इसमें जो डिस्प्ले आपको दिया गया है वो थोड़ा डिस्प्ले छोटा हो गया मेरे हिसाब से, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। इसके साथ हार्ट रेट ट्रैकिंग तो अच्छा है, स्पोर्ट मॉनिटर भी इसमें देखने को मिल जाता है, कॉलिंग भी देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये वॉच सही नहीं है। जी दोस्तों, क्योंकि इसका प्राइस के हिसाब से इसका डिस्प्ले, पहला बात है इसका डिस्प्ले थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, इसके साथ इसका स्पोर्ट्स मोड थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, लेकिन इसमें जो प्राइस हिसाब 4000, इसमें थोड़ा और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है। तो आप चाहिए तो इसको खरीद सकते हो, क्योंकि इसका जो बैटरी क्वालिटी है मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका बैटरी क्वालिटी के लिए ये प्राइस मेरे को लगता है ज़्यादा ले गया। इसके साथ इसका जो डिजाइन किया गया है बहुत अच्छा डिजाइन है आपको, जो कि साइड जो डिजाइन है इसका मेटल का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो कि फायरबोल्ट 12 का जो रिव्यू था। आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस तरह से नया नया वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, रहती हूँ, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।